एक कॉन्ट्रैक्टर की लाइफ क्या होती है? उसकी लाइफ यही होती है कि वो साल भर काम करता है और जब 31 मार्च यानी कि फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग होती है, उसको ये उम्मीद रहती है कि अब उसके बिल्स जो है वो निकलेंगे, वो भी घर में जो है खुशियां मनाएगा, चाहे त्यौहार हो या कोई भी हो, उसका कर्जा हो, उसको उम्मीद रहती है कि 31 मार्च आएगा और 31 मार्च में जब मेरी पेमेंट हो जाएगी, मैं कर्जा भी चुका पाऊंगा, अपने घर में भी जो है खुशियां बांटूंगा। क्योंकि एक जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, जब वो काम करता है, उसका जितना भी मटेरियल होता है वो मार्केट से जो है उधारी पे लेता है, क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा है, क्योंकि उसके पास पेमेंट नहीं होती है। उसको ये उम्मीद रहती है कि जब उसका बिल निकलेगा, जितनी भी उसने मार्केट से जो मटेरियल उठाया है, तो उनको वो पैसे देगा। इसके अलावा जो मजदूर इनके साथ काम करते हैं, हर कॉन्ट्रैक्टर जो है कर्जा लेके जो है लेबर को पैसा देता है वक्तन फ़क्तन, क्योंकि लेबर तो बिल का वेट नहीं करती है, लेबर जो है अपना काम करती है, वो जो है ठेकेदार से अपनी जो है उजरत मांगती है और वो ठेकेदार देता है। चलिए इन हजरात से ही पूछते हैं कि आखिर मसला हुआ क्या, ऐसी क्या जो है ऐसा मसला क्या हुआ कि इनकी पेमेंट लैप्स हो गई, इनसे ही जानते हैं इस पूरी जानकारी को। सर क्या नाम है आपका और बताइए क्या मसला हुआ इस बार, आपकी पेमेंट किस तरह से लैप्स हुई? मोहम्मद अयाज, मेरा नाम मोहम्मद अयाज है। मैं अभी यहाँ से सबसे पहले मतलब 16 तारीख को यहाँ से एओ को उठाया गया और एओ को दूसरे दिन कॉन्टेक्ट ऑफ कोर्ट लगा और जानबूझ के कह के साजिश की गई भद्रवाह के साथ। हमेशा नाइंसाफी की गई, जब भी कोई अफसर ऐसा होता है कि यहाँ से फिलहाल तो कोई अफसर ट्रेनिंग के लिए यहाँ जैसे भेजा जाता है, जब तो वो ट्रेंड होते तब उसके बाद 16 तारीख को कॉन्टेक्ट ऑफ कोर्ट लग गए, यहाँ के जो एओ थे उनको तो ट्रांसफर मतलब प्रमोशन हो गई, वो अकाउंट साहब से बन गए टीजी अफसर। उसके बाद यहाँ तो पहले कोई अकाउंटेंट ही नहीं था। उसके बाद जब हमने शोर और उठाई इधर उधर, कभी डीसी साहब को लेटर लिखवाई, कभी एसी साहब को, कभी कुछ, कभी उन लेटर बड़ी ली गई यहाँ से, मगर 27 तारीख को एक ऑर्डर होता है ठाठी से ओ को कि हाँ जी आप जाओ, वो एक दिन आता है 28 तारीख को। उन्होंने बेचारे ने काम किया, चलो कुछ जो भी हो सके उन्होंने कर दिया जो भी, तो अब थोड़ी बहुत बिल रह गए इधर पेंडिंग, पैसा लैप्स हो गए, कुछ डिपार्टमेंट की वजह से, कुछ इधर वजह, किसकी वजह से क्या हुआ। अब जो यहाँ से थोड़े बहुत बिल टेज में चले गए, वहाँ भी क्या हुआ, मतलब छुट्टी होने के ना कारण या किसके कारण से डिमांड नहीं लग गई, जिसकी वजह से टेज वाले बिल भी रुक गए और 0% पेमेंट भद्रवाह की हो गई, जिसकी वजह से पूरे ठेकेदार इसको सफ़र हो रहे हैं। इसलिए इसमें अब हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी तरीके से हमारी पेमेंट जो पैसा लैप्स आया हुआ है वो भी पैसा आ जाए, कि जो टेजी में पैसे बिल फंसे हैं वो भी निकल जाएं, ताकि हम कम से कम लेबर का कर्जा उठा सकें, मटेरियल वालों को दे सकें, ताकि हम हमारे घर पे बच्चों को होता है, हमें हर किसी को होता है कि हाँ जी 31 मार्च है, ईद है, काल से ईद का त्यौहार है, ईद है यहाँ से, इसलिए हर ठेकेदार इसको परेशान है। बस हम यही चाहते हैं कि किसी तरीके से पेमेंट रिलीज हो जाए ताकि हमारा जो ईद है वो अच्छे से त्यौहार अच्छी तरह हो। ठीक है सर, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मसला हुआ है और क्या इसका हल क्या आप समझते हैं? मसला यही हुआ जो हमारे दोस्त ठेकेदार साहब ने बताया कि यहाँ पे जो टाइम जिस टाइम पे हमारी पेमेंटें होनी थी उस टाइम से हमारे डीडीओज को ही उठाया गया। एक हमारी पेमेंट यहाँ कॉलेज में थी, हम पुलिस हाउसिंग के साथ वहाँ काम कर रहे थे, वहाँ के प्रिंसिपल को ट्रांसफ़र किया गया, उसकी जगह कोई रिप्लेसमेंट नहीं आई, वहाँ से भी हमारा सारा पैसा लैप्स हो गया। उसके बाद हमारी यहाँ R&B मेन डिवीज़न है, डिवीज़न डोडा डिस्ट्रिक्ट में एक ही है, वो R&B डिवीज़न है, बाकी सब सब डिवीजन है, सब डिवीजनों में सब जगह पे रिप्लेसमेंट दे दी, लेकिन यहाँ से AA को उठाया गया, कोई नहीं लाया गया यहाँ से वापस, तो उस वजह से भी हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, हमारी यहाँ पे 0 पेमेंट्स हो गई, यहाँ पे भी सारा। इसके बाद इससे पहले रीऑर्गेनाइजेशन हुई, हमारे BDA में हमारे काम हुए थे, तो वहाँ से भी हमारा कोई पैसा नहीं आया। तीसरा साल है हमारा, वहाँ पेमेंटें बंद है, हम वहाँ से भी फंसे हुए हैं। अब हमने जो अपना पैसा हमारा होता है हमारे पास जो डिपार्टमेंट को, वो हमारी CDR की शक्ल में इन डिपार्टमेंटों के पास बंद होता है, 10% हमारा डिपॉजिट इनके पास बंद होता है, ना हमारी CDR रिलीज हुई, ना डिपॉजिट रिलीज हुई, ना पेमेंट रिलीज हुई, हम जाएँ तो जाएँ कहाँ। इसीलिए हम अपनी ये जो रिक्वेस्ट LG गवर्नमेंट से कर रहे हैं कि हमारे लिए कोई ना कोई, आगे से दो त्यौहार आ रहे हैं, पहले ईद आ रही है, उसके साथ ही बैसाखी आ रही है, तो हमारे लेबर बहुत सफ़र करेंगे, हमारे बच्चे सफ़र करेंगे, हर एक हमारे साथ जो भी हमारे साथ कंसर्न है वो सारे सफ़र, इसलिए हमारी ये रिक्वेस्ट है LG इंतज़ामिया से कि हमें कोई ना कोई अल्टरनेट करके हमें ये पेमेंट हो जाए। तो खान साहब भी हमारे साथ मौजूद कॉन्ट्रैक्टर है, खान साहब क्या, क्योंकि आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं LG प्रशासन से, क्या आप रिक्वेस्ट करना चाहेंगे प्रशासन से? मैं LG साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये हमारी जो पेमेंटें हैं जल्द से जल्द दुआ गुजार की जाएँ। बाकी जनाब कुछ ठेकेदार ऐसे भी हैं
जनाब जो वो अब छुप गए हैं, वो छुप गए हैं, वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। लेबर का इतना प्रेशर है उन पर, इतना प्रेशर है कि कुछ एक दो ठेकेदार जो है वो, उनको मैंने रोते हुए देखा, वो रो रहे थे, मेरा दिल भर आया। उनकी परेशानी जब मैंने देखी, मैं या अल्लाह खैर कर, क्योंकि कर्जदारों का बहुत ज़बरदस्त प्रेशर है, कोई इधर से फ़ोन करता है किधर से, तो अब हमने यही कि हम फ़ोन साइलेंट रखते हैं, हम अब उनको यही झूठ मूठ बोल के, पहले तो हम इनको इतना बोलते थे कि ऊपर पेमेंट आ जाएगी तो हम आपको ये पैसा दे देंगे, मार्च में 31 मार्च के बाद किसी भी टाइम हम आपको पैसा देंगे सर, मगर पैसा नहीं आया। शायद ये हमारी भी बदकिस्मती है, और यहाँ हमारे अकाउंटेंट साहब थे, वो 10 दिन पहले उनको हटाया गया, फिर अकाउंटेंट साहब भी नहीं थे, उस वजह से भी थोड़ा पेमेंट हमारी ये कागज़ नहीं चले गए। अब जो पेमेंट है सर ऊपर ट्रेजरी में चली गई थी, तो वहाँ भी पैसा नहीं आया, तो वहाँ भी डिमांड है। अब हमारी यही एलजी साहब से है कि जो हमारी डिपार्टें हैं, सीडीआर हैं, कम से कम वो हमें वागुजार की जाए, ताकि हम अच्छी तरीके से ईद बना सकें, क्योंकि लेबर जो है वो भी हमारे बच्चे हैं, वो भी हमारे बच्चे हैं, ताकि अगर हम खुद हम ईद भी बनाएंगे नहीं, मगर उन कम से कम अगर हमें डिपॉजिट मिले, हम उनको वो पैसे दे देंगे ताकि वो अपनी ईद बना सकें। बस थैंक यू सर। तो नाज़रीन आपने देखा कि 31 मार्च जबकि कॉन्ट्रैक्टर के लिए वही दिन होता है खुशियों का दिन, लेकिन इस बार जो है खुशियां छोड़ो, इनके लिए एक ये कह सकते हैं कि जवाल का दिन आ गया है, क्योंकि पेमेंट कहीं पर भी नहीं है, इनके भी बाल बच्चे हैं, अब स्कूलों में एडमिशन भी इनके बच्चों ने लेनी है, अगर पैसा नहीं है ना तो एडमिशन हो पाएगी, न इनके बच्चे जो है स्कूल में पढ़ पाएंगे, प्रेशर है लेबर का, बाजार से जो मार्केट से जो है मटेरियल लिया उसका भी प्रेशर है, तो ये लोग करे तो करे क्या। तो एलजी प्रशासन एक तरफ से तो कहते हैं कि बड़ा अच्छा हम जो है सिस्टम जम्मू कश्मीर चला रहे हैं, लेकिन भद्रवाह जो डिवीजन है आरएनबी की, उसमें क्या हो गया, क्यों इन कॉन्ट्रैक्टर का क्या कसूर है? अगर एक कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं करेंगे, कोई भी प्रोजेक्ट भद्रवाह में कम्प्लीट नहीं होगा। ये दिन रात मेहनत करके कोई भी काम जब लेते हैं उसको कम्प्लीट करते हैं, और इनकी भी जल्दी होती है, 31 मार्च से पहले पहले काम ख़त्म करना है, और उसके इवज में इनको क्या मिला इस बार? कुछ भी नहीं, जेब का पैसा भी लगा है, मार्केट से कर्जा, जैसे उन्होंने कहा कि फोन आ रहे हैं, फोन साइलेंट कर रहे हैं, ये भी करें तो करें क्या। अब एलजी प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि आप इस मसले को देखिए, इनका जो है हल कीजिए, क्योंकि अगर ये ना हो, कॉन्ट्रैक्टर लोग ना हो, तो ना तो कोई प्रोजेक्ट बनेगा, ना कोई काम होगा। अगर बाकी कॉन्ट्रैक्टर इन कॉन्ट्रैक्टर की हालत देखेंगे या इनका ये सुनेंगे कि भाई ऐसा भी हो गया, तो फिर आगे जो है प्रॉब्लम हो सकती है। प्यारा ज़्यादा न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप देखते हैं नासिर के शाह ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।